नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लोकसभा इलेक्शन के आज आगाज हो चुका है, पहली फेज की जो है पोलिंग उसकी शुरुआत हो चुकी है उधमपुर कठुआ में। और आप देख सकते हैं इस समय मैं हूं उधमपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पिंक पोलिंग स्टेशन जो है यहां पर लगाया गया है। और जिस तरह से आपको बता दें कि 12 प्रत्याशी जो है इस समय उधमपुर कठुआ सीट से जो है लड़ेंगे। और जो है आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं यहां पर आज एकत्रित हुए हैं अपने वोट देने के लिए। तो इस समय की लाइव तस्वीरें हम आपको उधमपुर के डीसी ऑफिस के बाहर दिखा रहे हैं, जहां पर पिंक पोलिंग स्टेशन जो है लगाया गया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए, और लोकसभा चुनाव 2000 का आगाज हो गया है, 2024 का आगाज हो गया है। और आज पहले चरण के तहत जो है 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम के माध्यम से लॉक होने जा रही है। लगातार तस्वीरें आपको उधमपुर से हम लोग दिखाते हुए। और आपको बता दें बीजेपी के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के द्वारा जो है चौधरी लाल सिंह प्रत्याशी के रूप में जो है उधमपुर कठुआ की सीट से लड़ रहे हैं। और इस समय मतदान के लिए लोगों के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि जोश जो है भरपूर देखा जा रहा है। लोग अपना महत्वपूर्ण वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन में आए हैं, और आप यहां पर देख सकते हैं पिंक पोलिंग स्टेशन जो है लगाया गया है। महिलाएं जो है हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और वहीं हम आपसे ये भी कहेंगे कि इस समय लोकसभा इलेक्शन का आगाज हो चुका है और 7 फेजेस में ये इलेक्शन होने जा रही है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर 5 फेज में इलेक्शन होने जा रही है। और ऐसे में आप अपना कीमती वोट देकर अपने प्रत्याशी को जरूर जिताएं। 12 प्रत्याशी जम्मू कठुआ सीट पर, और ऐसे में जो है जनता किसी एक प्रत्याशी को जिताकर जो है उसके सर पर एमपी का सहरा बांधेगी। तो यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाते हुए, आज सुबह से ही जो है सुबह 7 बजे से ही जो है पोलिंग स्टेशन पर लोगों का आना शुरू हो चुका था। और मौसम भी जो आज सुबह से ही काफी नासाज देखने को नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में जो है मतदान करने के लिए भरपूर जोश जो है लगातार देखने को नजर आ रहा है। जम्मू कठुआ से आज जो है मतदाता अपना वोट देने के लिए खराब मौसम में भी बाहर निकल रहे हैं। और वहीं जो तस्वीरें इस समय सबसे ज्यादा फ्लैश हो रही हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं वो भी अपनी सेरेमनी को छोड़कर जो है वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप भी बाहर आइए, अपने जो है पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कीजिए और उसके सर पर जीत का सहरा बांधिए। तो आज यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर इन 12 मतदाताओं की किस्मत जो है ईवीएम में लॉक होने जा रही है। और लोगों का आप भरपूर जोश जो देख यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर पहुंचा है। महिलाओं की भी अगर बात करें तो इस समय काफी तादाद में जो है लोग बाहर निकले हैं। मौसम फिलहाल अभी थोड़ा जो है बारिश रुकी है, मौसम थोड़ा अच्छा सुहावना हो चुका है, हल्की धूप है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और ऐसे में लोग इस मौसम का पूरा फायदा उठाते हुए आज अपना मतदान देने के लिए पोलिंग स्टेशन पर आ पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय हम हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जहां पर लोग अपना कीमती वोट देने के लिए यहां पर आ पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर पिंक पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया है। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर कोई जो है इस समय यहां पर अपना वोट देने के लिए आ रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 का आगाज हो चुका है और आज पहले फेज का पहला चरण जो है वो शुरू हो चुका है। आपको सीधी तस्वीरें हम लोग उधमपुर के डीसी ऑफिस के बाहर की दिखाते हुए, जहाँ पर लोग इस समय जो है अपना
कीमती वोट देने के लिए और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पर आ पहुंचे हैं। बस इस ईवीएम में जो है लॉक होने जा रही है 12 प्रत्याशियों की किस्मत। तो अगर आप उधमपुर से हैं तो अपना जरूर कीमती वोट दीजिएगा, और कठुआ में अगर आप हैं तो कठुआ में भी अपना कीमती वोट देकर अपने मनपसंदीदा प्रत्याशी को जरूर जिताइएगा। ऐसे में अगर आप यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर पुरुषों की तादाद लगभग 8 लाख है, 8 लाख से ज़्यादा है, और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जो तादाद है वो यहाँ पर 7 लाख है, और टोटल जो वोटर है 16 लाख वोटर है। और ऐसे में आप देख सकते हैं डीसी ऑफिस के बाहर इस समय जो है महिलाएं किस तरह से आनंदित नजर आ रही हैं अपना वोट देकर बाहर निकलती हुई, और जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आज वोट दी है इन्होंने तो कैसा लग रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। पिंक ऑफिस का जो है पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। कैसी यहाँ पर कैसी जो है तैयारियाँ की गई? अच्छा लग रहा है देख के, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि जो वोट देने आएगा वो थोड़ा अट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो हमने तो दे दिया, अब देखते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, हमें वेट रहेगा। ऑफकोर्स सुबह से ही मौसम आज नासाज था तो लग रहा था कि क्या आज वोट देने जा पाएंगे। अगर ऐसा मौसम रहता तो भी आप बाहर आते वोट देने के लिए? हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। वोट तो देना है, वोट तो देना ही है ना, क्योंकि हमारा हक है ना, हक है अपना, वोट तो देंगे हम। चाहे जैसा भी तूफान होता, बारिश तूफान कुछ भी होता, हमने आना था। तो लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, चाहे मौसम नासाज भी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर मौसम कैसा भी होता तो हम जरूर वोट देने के लिए यहाँ पर आते। लेकिन इस समय मौसम काफी सुहाना बना हुआ है, और ऐसे में उधमपुर जो सीट की बात की जाए तो उधमपुर सीट में इस समय लगभग 16 लाख जो है वोट है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि नासाज मौसम होने के बावजूद भी लोग जो है भरपूर तरीके से वोट देने के लिए बाहर आए हुए हैं। और आपको सीधी तस्वीरें हम आज उधमपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और लोग जो है बड़ी खुशी खुशी जो है अपना वोट देने के लिए आ रहे हैं। मैम से जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है, कैसी तैयारियाँ? बहुत अच्छी तैयारी है, सब कुछ अच्छा है। हाँ जी, अगर मौसम ऐसा ही खराब रहता तब भी आते वोट देने? क्यों नहीं आते, पक्का आते। थैंक यू। तो लोगों के चेहरे पर खुशी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग जो है लगातार वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो आपके एरिया में भी अगर मौसम खराब है तो फिर भी आप वोट देने जाइए, जहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं उधमपुर में। इस समय मौसम जो है काफी जो है सुहाना हो चुका है, हल्की फुल्की धूप भी खिल चुकी है, और लोगों का ये कहना है कि अगर ऐसे में मौसम भी खराब होता सुबह से लेकर शाम तक, शाम के 5 बजे तक, तो हम लोग वोट जरूर देने के लिए आते। और यहाँ आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर भरपूर की गई हैं, ताकि लोगों को कोई जो है मुशक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको सीधी तस्वीरें हम लोग उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर की दिखाते हुए, जहां पर जो है उधमपुर सीट पर मतदान करने के लिए, वोट करने के लिए लोग जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब जो है उनकी बारी आए वोट करने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है, और इसके लिए लगभग 2600 मतदान केंद्र पर 16 लाख मतदाता वोट देकर 12 प्रत्याशियों में से किसी एक सांसद को चुनेंगे। और महिलाओं के लिए जो है पोलिंग स्टेशन पर महिला स्टाफ की जो है तैनाती भी की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को मतदान के प्रति जो है जागरूक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिंक पोलिंग स्टेशन जो लगाया गया है, इसके पीछे का मकसद यही है कि जो महिला मतदाता है, मतदान है, उन्हें मतदान के प्रति जो है जागरूक किया जाए।
और साथ ही साथ महिलाओं को उनके लोकतंत्र से जुड़े कर्तव्य और अधिकारियों के अधिकारी के प्रति जो है जागरूक भी किया जा सके। तो आपको सीधी तस्वीरें हम उधमपुर से दिखाते हुए लाइव, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीसी ऑफिस में इस समय जो है लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मतदान देने के लिए लोग जो है बाहर आए हुए हैं। और उधमपुर सीट की अगर बात की जाए तो प्रत्याशी के रूप में जो है इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के लीडर चौधरी लाल सिंह जो है बराबर की टक्कर में है। 12 प्रत्याशियों की जो है किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक हो जाएगा और 4 तारीख को जो है घोषणाएं की जाएंगी कि क्या कुछ जो है इस पूरे जो फेजेस हैं 7 फेजेस पे जो चुनाव होने वाले हैं उसका फैसला जो है जनता ने क्या किया है। तो ऐसे में पहले फेज की आज शुरुआत हो चुकी है। उधमपुर कठुआ सीट से जो है प्रत्याशी अपने जो है 12 प्रत्याशी है और 12 प्रत्याशियों में से लोगों द्वारा मतदान देकर किसी एक प्रत्याशी को जो है चुना जाएगा। और ऐसे में लोग जो है मौसम खराब होने के बावजूद भी बाहर निकले हुए हैं वोट करने के लिए, तो आप भी बाहर आए, अपना कीमती वोट जरूर देकर अपने प्रत्याशी को, चुनिंदा प्रत्याशी को जो है लोकसभा इलेक्शन में जो है आगे लाए। तो ईवीएम में आज जो है लॉक होने जा रही है 12 प्रत्याशियों की किस्मत, और इसका फैसला जो है 4 जून को होगा। और तब तक के लिए आपको इस तरह के हम लोग लाइव अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आज हम उधमपुर में हैं और उधमपुर में आज किस तरह तरीके का फेज वन का जो है रहेगा सारा सिस्टम, वो हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। डीसी ऑफिस के बाहर जहां पर आपको आज हमने दिखाया कि यहां पर पिंक पोलिंग स्टेशन जो है बनाया गया है ताकि महिलाओं को जागरूक किया जा सके वोट के लिए, और किस तरह से क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या उनके अधिकार है उनके बारे में उनको बताया जाए। और वहीं आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हुए कि उधमपुर सीट से किस तरह से लोग जो है आज अपना मतदान देने के लिए बाहर निकले हुए हैं। मौसम सुबह से आज नासाज था और सुबह 7 बजे जो है पोलिंग जो है शुरू हो चुकी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इतना जो है रश नहीं देखा गया। लेकिन जैसे जैसे मौसम अब ठीक हो रहा है तो लोग अपना वोट देने के लिए बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली अपडेट के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ, कैमरामैन अजय जाडू के साथ, मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।